अगर हमास के संगठन से विश्व के किसी भी देश को नुकसान हुआ है इतिहास में, तो हम भी कहते हैं हमास आतंकवादी है। पर अगर हमास के संगठन से विश्व के किसी देश में कोई अटैक नहीं हुआ, सिर्फ इजराइल से उसकी भिड़क हुई है, तो वो आतंकवादी नहीं है, वो एक क्रांतिकारी विचारधारा आदमी है। हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि जमीन फिलिस्तीन की है और फिलिस्तीन अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए हमारा समर्थन फिलिस्तीन को है। मोदी जी से पूछो कि आप हमास के साथ है या नहीं है, आप किसके साथ खड़े हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इस बीच में उन्होंने अपना एजेंडा तो साफ कर लिया 2024 को लेकर। देखिए एजेंडा तो उनका पहले से साफ है, मुसलमानों के खिलाफ काम करो, वोट बैंक पक्का करो। आज की डेट में एक मुसलमान अगर कोई गलत एक्टिविटीज करता है तो इनके 100 हिंदू वोट बैंक पक्के हो जाते हैं। सुधीर चौधरी के भी विचार बदलने लग गए, अपना डीएनए रिपोर्ट जो बनाते हैं उसके अंदर भी बना के दिखा रहे हैं कि देखो ये जमीन जो थी सन 48 में इसकी थी, उसकी थी, फलाने की थी, ढिमकने की थी, इतने परसेंट लोग थे, इतने परसेंट लोग थे, यानी कि इन शॉर्ट में पूरी की पूरी रिपोर्ट फिलिस्तीन के समर्थन में उन्होंने चला दी। तो ये अपने आप में दिखाता है कि हम लोग सच के साथ थे और हमारी भी जीत हुई है। आज ये मोदी सरकार और भक्तों की हार हुई है। थोड़े दिन बाद भक्त जन हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे, ऐसे हमसे गलती हो गई, हम लोग इसराइल के साथ खड़े हो गए थे, हमें बाद में साहब ने बताया कि हमें फिलिस्तीन के साथ जाना है। रूबी का लियाकत को लेके क्या कहें? वो तो आदि हिंदू है, उसका तो कोई धर्म ही नहीं है, क्योंकि जो आदमी आज की डेट में दलाली का चोला पहन लेता है उसका कोई धर्म नहीं रहता। सबको पता है वो ऐसी किसके लिए काम करते हैं, सबको पता है, और वैसे साहब मोदी साहब के इशारों पे काम करते हैं। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है पीआरबी में। मेरे साथ मौजूद हैं गिन्नी सैनी जी, इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से देख रहे हैं, जैसे कि इन्होंने अपनी अपनी जो बातें थी वो पहले इंटरव्यू में भी रखा था कि ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या चाहते हैं, लेकिन अभी नया मोड़ लेता हुआ दिख रहा है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं और तुर्की से जो इजरायलियों को बुलाया गया है कि भाई अपने घर वापस आ जाओ, लग रहा है कि तीसरी विश्व युद्ध का संकेत दे रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध ऐसा होगा? देखिए होगा तो कुछ नहीं, पर ये ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। आप सोचो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, इतना आसान नहीं होता विश्व युद्धों को जन्म देना। पहले का समय कुछ और था, आधे लोग तो उस समय गुलाम थे, आधे देश गुलाम थे, आज सब स्वतंत्र हैं, सब अपने डिसीजन ले सकते हैं कि हमें युद्ध में कूदना या नहीं कूदना। पहले तो मजबूरी हो चुकी थी, क्योंकि पहले तो ब्रिटेन के कितने सारे देश जो थे वो उपनिवेशिक देश बने हुए थे। तो आज के टाइम में वर्ल्ड वॉर तो नहीं होगा, पर ये जो हवाएं बार बार उड़ रही हैं, इन हवाओं से लोगों की अर्थव्यवस्था पर बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि आज बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हम बिजनेस करें उन कंट्रियों में जाके, कल को पता लगे विश्व युद्ध हो जाए तो हमारा तो नुकसान होगा। ऐसे में जब युद्ध की संभावनाएं होती हैं तो सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था को फर्क पड़ता है। तो आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था हो, ईरान की हो, इराक की हो, इसराइल की हो, फिलिस्तीन की हो, ये सारे देश जो आपस में एक दूसरे के समर्थन की उम्मीद से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इनकी अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा। युद्ध होना मुझे नहीं लगता कि संभव है। लेकिन जैसे कि तमाम लोगों ने मोदी जी को यानी कि प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला था कि वो इसराइल के समर्थन में है, लेकिन अब तो विदेश मंत्रालय से भी ये ट्वीट आया है कि वो फिलिस्तीन के समर्थन में है। लेकिन वहीं अगर 500 लोग जो मारे गए हैं गाजा पट्टी के लोग अस्पताल में, तो उसके लिए भी पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में इंसानियत बहुत अच्छी है, इसके लिए मोदी जी का शुक्रिया कि चलो देर आए दुरुस्त आए। पर आज वो वाली बात है कि इन्होंने शायद पॉलिटिकल इंटायर साइंस में इन्होंने आपको पता है एमए कर रखा है मोदी जी ने, तो पहले इन्होंने वो किताब पढ़ी नहीं थी। जब आप दोबारा किताब पढ़ी इंटायर पॉलिटिकल साइंस की, तो इनको पता लगा रहे फिलिस्तीन की जमीन है, ये इसराइल तो गलत कर रहा है। तो सारे भक्तगणों को भी इन्होंने आदेश दे दिया कि आप अपनी डीपी हटाओ और फिलिस्तीन के झंडे लगाओ। तो आज हमारा तो सारे भक्तों से ये कहना है कि और सारे देश के लोग जो फिलिस्तीन के समर्थन कर रहे थे कि आपको जहाँ भक्त देखे एक इसराइल का झंडा उनके हाथ से ले लें वापस और फिलिस्तीन का झंडा उसको दे दे, बोले अपने घर पे लगाओ, डीपी पे लगाओ, फोटो खींच के लगाओ कि आई स्टैंड विद फिलिस्तीन, क्योंकि अब इनके पप्पा का जो स्टैंड है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया। तो आज हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी बात है कि जब एक इतने बड़े मुखिया को ये नहीं पता कि मुझे कहां खड़ा होना है, तो आप समझ जाओ कि भक्तों का क्या विचार होगा। आज भक्त अपने पिताजी के पीछे भी चलते, जो उनके पिताजी कहेंगे वही वो काम करेंगे। तो आज हमारे देश के अंदर जो ये माहौल पूरा का पूरा पैदा हो रखा है, तो मोदी जी को खुद नहीं पता था कि हमें कहां जाना है, पर आज नेहरू जी की जो विदेश नीति थी आज कहीं ना कहीं उनको माननी पड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी की जो क्लिप इतनी वायरल हुई उस पर मोदी जी को स्टैंड लेना पड़ा, क्योंकि पहले इनके अपने विचार थे। आज तो आपको पता है सुधीर चौधरी के भी विचार बदलने लग गए, अपना डीएनए रिपोर्ट जो बनाते हैं उसके अंदर भी बना के दिखा रहे हैं कि देखो ये जमीन जो थी सन 48 में इसकी थी, उसकी थी, फलाने की थी, ढिमकने की थी, इतने परसेंट लोग थे, इतने परसेंट लोग थे, यानी कि इन शॉर्ट में पूरी की पूरी रिपोर्ट फिलिस्तीन के समर्थन में उन्होंने चला दी। तो ये अपने आप में दिखाता है कि हम लोग सच के साथ थे और हमारी भी जीत हुई है। आज ये मोदी सरकार और भक्तों की हार हुई है, ये नेशनल मीडिया की हार हुई है, ये हमारी जीत है, क्योंकि हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि जमीन फिलिस्तीन की है और फिलिस्तीन अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए हमारा समर्थन फिलिस्तीन को है। हमास के क्या विचारधारा हमें उससे मतलब नहीं है, पर जमीन फिलिस्तीन की है। पर इनकी अपनी एक अलग विचारधारा थी कि भैया नहीं 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 मुसलमान कंट्री है तो कहीं ना कहीं कलेश मचाओ और वोट बैंक पैदा करो, पर आखिर में इनको लौट के आना पड़ा, समझ रहे हो बात। तो वही वाली बात है कि इनको आज अपना फैसला जो था खुद वापस लेना पड़ा, बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। सरकार इस तरह से फैसलों में बदलती है। रूबी का लियाकत को लेकर क्या?
देखिए रूबिका लियाका तो वहाँ पे गई, आपको पता है 20-20 किलोमीटर की दूर से पेड़ पौधे दिखा रही है, जंगल दिखा रही है, यहाँ बमबारी हो रही है, वहाँ बमबारी हो रही है, रोड पे बैठ के पोज बना के फोटो खिंचवा रही है। वो तो भैया TRP के लिए गई थी, वो तो अपने आप को एक फौजी इजराइल की जो एक महिला होती है उसकी बंदूक पकड़ के भी वो सोचती कि मैं लड़ जाऊँ फिलिस्तीन से तो मेरे से बड़ा तो कोई योद्धा नहीं होगा। तो यूपी का इलाका जो है आज सिर्फ TRP के लिए वहाँ पे गई थी, स्वाद लेने गई थी। लेकिन वो भी तो मुसलमान है। देखिए मुसलमान या है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, वो तो आदि हिंदू है, वो तो आदि हिंदू है, उसका तो कोई धर्म ही नहीं है। क्योंकि जो आदमी आज की डेट में दलाली का चोला पहन लेता है उसका कोई धर्म नहीं रहता। आपको पता होगा मैं आदि हिंदू क्यों बोल रहा हूँ, थोड़े दिन पहले रूबिका लियाकत कहीं पर खबर लेने के लिए गई थी तो उसका पैर फिसल गया, तो पहले मुँह से उसने निकाला या अल्लाह, समझ रहे हो बात, ये बोला या अल्लाह, उसके दो मिनट बोली हे राम शुक्र आपने बचा लिया। तो आप यहाँ देखो कि उसके साथ दलाली का कितना बड़ा टैग लगा है कि अल्लाह बोलेगी तो बायकट हो जाएगा, राम बोलेगी तो बच जाएगी। तो ये रूबिका लियाकत का स्टैंड है, कहीं ना कहीं आप बोले वो गेम खेलती है, गेम के गेम बात तो है ही है पूरी की पूरी। रूबिका लियाकत आज की डेट में वो लोगों को फंसा रही है। बताओ हमास के समर्थन में हो या नहीं हो, हमास आतंकवादी, मैं कहता हूँ आप अपने मोदी जी से पूछो आप हमास के साथ हो या नहीं हो। ये सवाल जब तक आप हम जैसे लोगों से पूछ रही थी, रूबिका लियाकत पत्रकारों के बीच में बैठ करके जो वहाँ पे डिबेट करने आते हैं उनसे पूछ रही थी, अब ये आप मोदी जी से पूछो कि आप हमास के साथ हैं या नहीं है, आप किसके साथ खड़े हैं। तो आज इनके सुर दो मिनट में बदलते नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि सच की जीत हो रही है और फिलिस्तीन की जीत होगी होगी। तो अभी कुछ जैसे कि आपने बोला कि आज TV चैनलों पर सब फिलिस्तीन का समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ सोशल मीडिया वाले हैं जो इसराइल के समर्थन में हैं। देखिए धीरे धीरे जागेंगे, अभी उनको नींद जैसे जागने में टाइम लगेगा, इतना बड़ा झटका लगा उनको, बेचारे सहम गए हैं। अभी तो थोड़े दिन बाद भक्तजन हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेंगे, ऐसे हमसे गलती हो गई, हम लोग इसराइल के साथ खड़े हो गए थे, हमें बाद में साहब ने बताया कि हमें फिलिस्तीन के साथ जाना है। आज की डेट में जिस आदमी का अपना कोई स्टैंड नहीं होता, आप समझना इस बात को, वो ऐसी दर बदर की ठोकरें खाता है। आज हमारे देश के अंधभक्तों का अपना कोई स्टैंड नहीं है, उनको पीछे से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान पेल दिया जाता है, वो आगे पेल देते हैं, उनको पढ़ाया जाता है। अब आप ये देखो कितना बड़ा बड़ा वो दिखा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि फिलिस्तीन की ज़मीन थी, तो कह रहे हैं मुझे कमेंटों में लिख रहे हैं चलो मान के गिन्नी जी कि आज ये फिलिस्तीन की ज़मीन थी, पर ये बताओ पाकिस्तान वाली ज़मीन किसकी है, बांग्लादेश वाली ज़मीन किसकी है। अरे वो तो बंटवारे हुए हैं, वो तो हिस्से हुए हैं, वो ज़मीनें तो हमने दी है उनको खुशी से, वो कब्ज़ा करके थोड़ी ना आ गए, आप समझो इस बात को। तो आज फिलिस्तीन की ज़मीन पर तो कब्ज़ा करा उन्होंने, आज बंटवारा जब हो गया था तो 46% ज़मीन जो थी फिलिस्तीन की थी 1948 में, 54% ज़मीन इसराइल की थी, पर इसराइल ने वो 54% की 74% कर ली। इसी चीज़ का कलेश है कि तूने 20% ज़मीन जो बंटवारे के बाद भी उनको दी जा चुकी थी तो उस पर हड़प क्यों रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है भाई। हमने आज पाकिस्तान को जो ज़मीन दे दी उससे 1 इंच भी उनको आगे तो नहीं आने दिया ना। कहा जा रहा है अमेरिका की जो बात है, अमेरिका ने इसराइल को क्लीन चीट दे दी रॉकेट वाले मामले पे, जो रॉकेट अस्पताल में गिरा था उसको लेके किस तरीके से देखिए आज की डेट में जो रॉकेट गिरा है अस्पताल के ऊपर, इतने बच्चे मारे गए हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अमेरिका लेगा, फिलिस्तीन लेगा, इसराइल लेगा, कौन लेगा। तो नेचुरल सी बात है जिन्होंने बम मारे इसराइल उनकी जिम्मेदारी बनती है, और सप्लाई करने वाला कौन है वो मिसाइलें वगैरह, अगर अमेरिका है तो अमेरिका की जिम्मेदारी बनती है। आप एक युद्ध के संभावनाओं में हथियार ऐसे दे करके एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हम समाधान चाह रहे हैं, और एक तरफ आप उनको हथियार बेच करके पूरा का पूरा माहौल कन्वर्ट कर रहे हो, युद्ध के तब्दीलों में माहौल में बदल रहे हो, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अमेरिका एक वो देश है जी जो लोगों के घरों में आग लगा के हाथ सेकता है, ये आप याद रखना। अमेरिका का इतिहास अगर उठा के देखोगे तो हर घर में कलेश होने पे ये दूरबीन लगा के बैठा होता है किसके घर में कलेश हो रहा है। जैसे आज बगल में औरतें होती है ना, कान लगा लगा के सुनती है फलाने के घर में क्या हो रहा है, तो वो अमेरिका का हाल है, कान लगा के सुनना, दूरबीन लगा के देखना, जिसके घर में कलेश हो वहाँ पहुँच जाना। लेकिन इसका फ़ायदा अमेरिका को हो रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं, और लेकिन अमेरिका ने इसराइल को इस मामले में क्लीन चीट दे दिया है कि नहीं इसराइल की तरफ से बम नहीं फेंका गया। देखिए वो अमेरिका के कहने से क्या होता है, आज की डेट में वो बम किसने फेंका अमेरिका से पूछो, जवाब है आपके पास, बोले हमास की रॉकेट खुद। अरे अरे क्या कहने की बातें, हमास के रॉकेट से आया या नहीं आया, आज की डेट में जो अपने देश की विश्व की लड़ाई लड़ रहा है, आज अपने अपने संगठन को मजबूती से उतार रहा है, वो अपने देश में आतंकवादी की घटना क्यों करेगा। तो ये तो कहीं ना कहीं हमास को जबरदस्ती आतंकवाद का टैग लगाना है, आप समझ रहे हो बात। आज की डेट में वो एक क्रांतिकारी विचारधारा रख करके अपने देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमास ने अमेरिका के ऊपर कोई, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था ओसामा बिन लादेन ने किया था, ऐसी कोई घटनाएं अगर करी हो दूसरे देशों में तो वो आतंकवादी संगठन है। पर अगर वो अपने देश के लिए स्टैंड रख रहा है, बंदूक के तैयार कर रहा है, अपने देश की लड़ाई लड़ रहा है, तो वो आतंकवादी कैसे हो सकता है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, अगर हमास के संगठन से विश्व के किसी भी देश को नुकसान हुआ है
इतिहास में, तो हम भी कहते हैं हमास आतंकवादी है। पर अगर हमास के संगठन से विश्व के किसी देश में कोई अटैक नहीं हुआ, सिर्फ इजराइल से उसकी भिड़क हुई है, तो वो आतंकवादी नहीं है, वो एक क्रांतिकारी विचारधारा आदमी है जो अपने देश के द्वारा चाहता है कि हमारा देश कब्जे से छुड़ा ले। वो लोग इजराइल का समर्थन कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि पहले हमास ने शुरू की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना, गला काटना, उसके बाद इजराइल ने किया। देखिए आज की डेट में हमारे पास तो जो वीडियो आई है, फोटो आई है, वो तो इजराइल की आई है, हमास की तो एक भी नहीं आई। अगर हमास ने ऐसा कुछ किया था तो हमारे पास वीडियो तो पहुंचनी चाहिए कि हमास के संगठन ने इतने बच्चे मारे या हमास के संगठन ने औरतों को ये सब काम किया। उन्होंने जरूर स्टार्टिंग में दो चार वीडियो आई थी, पर वो भी ऐसे नंगन अवस्था में नहीं आई थी, वो इस तरीके से आई थी कि उनकी जो मिलिट्री थी इसराइल वालों की, उनको पकड़ा था, उनकी मिलिट्री को पकड़ा था, उनकी मिलिट्री को दबोचा था। पर ये तो आम जनता को दबोच रहे हैं, इसराइल वाले छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, अस्पतालों पे अटैक कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी निंदा है। और इसके लिए तो हमारे मोदी जी ने भी सबसे बड़ी बात है स्टैंड लिया है और ये भी बोला कि फिलिस्तीन को जो समर्थन होगा हम देंगे। तो आप ये देखो कि ये भारत की एक संस्कृति है और ये बहुत लेट जागे हैं, पर हमें उसके लिए मोदी जी का स्वागत करना चाहिए कि मोदी जी की इस नीतियों के द्वारा कम से कम अनभक्तों को समझ में आएगा कि हर चीज विरोध नहीं होती, कई जगह समर्थन भी करना पड़ता है। कुछ लोग कह रहे हैं इस बीच में उन्होंने अपना एजेंडा तो साफ कर लिया 2024 को लेकर। देखिए एजेंडा तो उनका पहले से ही साफ है, मुसलमानों के खिलाफ काम करो, वोट बैंक पक्का करो, छोटा सा एजेंडा उनका। आज की डेट में एक मुसलमान अगर कोई गलत एक्टिविटीज करता है तो इनके 100 हिंदू वोट बैंक पक्के हो जाते हैं। अगर 10 मुसलमानों की गलती है किसी मोहल्ले में तो वो पूरा मोहल्ला ऑटोमेटिकली मोदी के समर्थन में उतर गया। ओवैसी को लेके कहा जा रहा है कि वो फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली निकालेंगे, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो आतंकवादी हैं, इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, तो आप इस पर किस तरीके से स्टैंड? देखिए ओवैसी साहब का एक अलग ही स्टैंड है, मैं उनके समर्थन में कभी बोलता ही नहीं हूँ। अगर आज की डेट में ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ या नहीं हूँ, तो आज उन्होंने कितनी वहाँ पे मुहैया कराई, क्या उन्होंने वहाँ पे जाके केस लड़ने की बात करी, वकील हैं इतने बड़े, उन्होंने ऐसी कौन सी सपोर्ट दिया, समर्थन दिया, रैलियाँ निकाल के वो भी अपना वोट बैंक पक्का कर रहे हैं। आज की डेट में कोई भी राजनीतिक आदमी फिलिस्तीन से सिर्फ अपना मतलब निकाल रहा है। ओवैसी साहब ये सोच रहे हैं कि मैं मुस्लिमों का वोट जीत जाऊँ, मैं उनके समर्थन में खड़ा होऊंगा तो मेरा मुस्लिम वोट बैंक पक्का होगा। मोदी साहब सोच रहे हैं कि मैं अगर समर्थन में खड़ा होऊंगा फिलिस्तीन उसके इसराइल के, तो मेरा हिंदू वोट बैंक पक्का होगा। तो आज दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। टीम ए टीम बी है। हाँ जी, टीम ए और टीम बी है। वो टीम बी क्या, वो तो सबको पता है ओवैसी साहब किसके लिए काम करते हैं, सबको पता है ओवैसी साहब मोदी साहब के इशारों पर काम करते हैं। आपकी ये बातें सुन के हो सकते हैं मुस्लिम जो भी दर्शक है वो नाराज हो, नाराज क्यों हो रहे, सच्चाई को कबूल है ना, सच्चाई कबूलनी चाहिए, मुस्लिम दर्शकों को भी ये सच्चाई कबूलनी चाहिए। आप मुझे एक बात बता दो, आज की डेट में ओवैसी साहब वहीं के कूदते हैं जहाँ पे कांग्रेस का वोट बैंक होता है, जैसे आज केजरीवाल कूदता है वैसी मुस्लिम वोट बैंक को काटने का काम करता है। यूपी के अंदर आप याद रखना 1,500, 100, 200, 2,000 इतनी वोटों से कांग्रेस ने 50 सीटें हारी हैं जहाँ ओवैसी ने अपने बंदे उतारे थे। अगर आज ओवैसी वहाँ पे अपने बंदे ना उतारता तो आज कम से कम 50 सीटें कांग्रेस की वहाँ पे होती, जो एक देश की राष्ट्रीय पार्टी उसको तो मजबूत करो। तो ओवैसी साहब को तो आज कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहिए, पर नहीं, मैं अलग लड़ूंगा, मैं अलग लड़ूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो काम करते हैं। आज अखिलेश यादव को लेकर क्या बोलेंगे, अखिलेश यादव को सीट नहीं मिली मध्य प्रदेश में? देखिए अखिलेश यादव का अपना एक अलग ही यूपी तक गढ़ है, उनको बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। मैं अखिलेश यादव को एक ही बात बोलूँगा, पहले यूपी के अंदर पूरे अपने पैठ को पक्का करो दोबारा से। आपके पिताजी ने बहुत मेहनत करी है, दायरे में भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी आपको पता है बसपा भी है, पंजाब में भक्ति है, कुछ नहीं मिलता, एक सीट नहीं मिलती, दिल्ली में इलेक्शन लड़ते कुछ नहीं मिलता। जिस आदमी का जो गढ़ है वो वहीं से लड़ेगा तो कम से कम फायदा कमा लेगा, पर जगह जगह भटकेगा तो ये वोट बैंक काटने का काम करेगा। उन्होंने ऐसे बोला कि कांग्रेस पे मैं विश्वास करके आया, मुझे पता रहता है ऐसा, तो इस तरीके की चीज़ें मैं नहीं करता। देखिए मैं एक छोटी सी बात जानता हूँ, राष्ट्रीय पार्टी दो ही है, भाजपा और वो कांग्रेस है, तो आज की डेट में इन्हीं दो पार्टियों को ही पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस को जरूरी है छोटी छोटी पार्टियों की। आज गठबंधन क्यों किया गया? देखिए छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन इसलिए किया गया, हर आदमी अपने क्षेत्र में मजबूत होता है, अगर आदमी अपने क्षेत्र में मजबूत है तो हम उनका वोट क्यों काटें। ये तो कांग्रेस की अच्छी सोच है, पर ये बाकी लोगों को सोचना चाहिए कि आज मध्य प्रदेश में तुम पहुंच जाओगे, राजस्थान में पहुंच जाओगे, तुम कांग्रेस का वोट काटोगे, तुम डायरेक्ट भाजपा को फायदा पहुंच जाओगे। तो आज की डेट में केजरीवाल एक तरफ कहता है मैं संगठन का हिस्सा हूं, आप समझो इस बात को, मैं इंडिया संगठन का हिस्सा हूं, और कह रहा है मैं मध्य प्रदेश में पूरी ताकत से लड़ूंगा, मैं छत्तीसगढ़ में पूरी ताकत से लड़ूंगा, तो क्योंकि ये पिट्ठू है। मैं तो आज एक बात बता दूं, केजरीवाल 2024 में कांग्रेस के संगठन को सबसे बड़ा नुकसान देने वाला एक पार्टी के रूप में उभर के सामने आएगा, ये बात आप लिख के रख लेना। चलिए अभी मुद्दे पे आते हैं, फिलिस्तीन और इसराइल के मैटर में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें भारत पे क्या असर पड़ रहा है, आपको क्या कैसा लग रहा है? देखिए भारत का एक स्टैंड ही नहीं हो पा रहा, सबसे बड़ी बात है भारत पे ये फर्क पड़ रहा है कि भारत के आपस के लोग ही लड़ते फिर रहे हैं। आज भक्तों से हम एक ही बात सवाल करेंगे कि कल तक आपके जो आका थे वो कहते थे कि हम जो है इसराइल के साथ में हैं, आज आपके आका ने करवट बदल ली, आज तो कम से कम आंखें खोल लो कि उस इंसान का कोई दीन ईमान नहीं है। आपस में लोगों को भिड़वाना वही उनकी सोच और विचारधारा है, इसलिए सच का साथ देना सीखो।
भारत के लोग अगर सच का साथ देंगे तो मोदी सरकार जैसे कितने भी नेता आ जाएं देश टूटेगा नहीं, पर अगर भारत के लोग नेताओं को पकड़ के उनके पीछे चलेंगे और सच को नजरअंदाज कर देंगे तो देश बढ़ता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ थे गिन्नी सैनी, इनसे बातचीत की। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।